Hi guys, I'm Stuti from eVidyarthi. और इस session में हम करेंगे class 12 chapter redemption of debentures का first numerical concept. हम देखेंगे first method of redemption of debentures. First method था हमारा redemption of debentures in lump sum on maturity. Redemption of debentures के basically three methods होते हैं. पहला होता है redemption in lump sum on maturity. सेकेंड होता है रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स और थर्ड होता है बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट. तो इस सेशन में हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे जब हम लमसम में अमाउंट रीपे करते हैं. लमसम में रीपेमेंट का मतलब है कि जितना भी डिबेंचर होल्डर्स का अमाउंट होता है हम वो सारा अमाउंट एक बारी में एक साथ रीपे कर देते हैं. तो दैट इज कॉल्ड रीपेमेंट इन लमसम. अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है. उससे पहले दो कंडीशंस आती हैं. जब भी आपको डिबेंचर्स को रीपे करना है, रिडीम करना है, दो कंडीशंस फॉलो करनी होती है. फर्स्ट होती है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 हमें 25% ऑफ द डिबेंचर होल्डिंग अमाउंट DRR में ट्रांसफर करना होता है. यानी जितना भी हमारे पास डिबेंचर्स का अमाउंट है उसका 25% हमें सरप्लस में से यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से DRR में ट्रांसफर करना होता है. सेकंड, जितना भी हमारे पास डिबेंचर्स का अमाउंट है उसका 15% हमें इन्वेस्ट करना होता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में. तो वो आ जाता है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट. अगर फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 31st को आपके डिबेंचर्स की रिडीमिंग डेट है, ड्यू डेट है, तो उससे पिछली वाली 30th April तक आपको डिबेंचर इन्वेस्टमेंट करना होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करना होता है इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. तो दो कंडीशन है, पहली 25% ऑफ द अमाउंट DRR में ट्रांसफर करना है. सेकेंड, अगर 31st March को आने वाली 31st March तक आपके डिबेंचर्स ड्यू है रीपेमेंट के लिए तो उससे पहले वाली 30th April तक आपको 15% ऑफ डिबेंचर होल्डिंग्स इन्वेस्ट करना होता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में. क्लियर हो गई दो कंडीशंस. अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की. हमने बात करी थी कि डिबेंचर्स को हम दो तरह से रिडीम कर सकते हैं. पहला आउट ऑफ कैपिटल जब DRR में सफिशियंट बैलेंस नहीं होता एंड सेकेंड आउट ऑफ प्रॉफिट जब DRR में सफिशियंट बैलेंस होता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब हम रिडेम्पशन करेंगे आउट ऑफ कैपिटल. जब हम आउट ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन करते हैं तो DRR का कोई रोल नहीं रह जाता. सबसे पहले हमारे पास एंट्री आ जाएगी ऑन पेमेंट बीइंग ड्यू. यानी जब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट ड्यू हो गई है तब क्या एंट्रीज होंगी. तो नॉर्मल एंट्री होगी, डिबेंचर्स को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि अब हम उन्हें वापस करें, उसका रीपेमेंट करें, तो डिबेंचर्स हमारी बैलेंस शीट में शो नहीं होंगे क्योंकि उसका रीपेमेंट हो रहा है. इसलिए डिबेंचर्स डेबिट हो गए. और टू डिबेंचर होल्डर्स, हमें डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी है तो ये हमारे क्रेडिटर्स हो गए हैं. तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. अब अगेन इसमें एक और चीज आती है कि अगर टर्म्स ऑफ इश्यू में डिसाइडेड था दैट द रिडेम्पशन विल बी एट प्रीमियम यानी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे रिडेम्पशन होगा तो हमारे पास एक और चीज आ जाएगी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. और नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम टोटल अमाउंट रिडीमेबल होगा डिबेंचर होल्डर्स को. फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स का नॉमिनल वैल्यू थी ₹100 और प्रीमियम का कोई रोल नहीं है, प्रीमियम के बारे में कोई बात नहीं हुई थी इश्यू पे, तो डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट पे किया जाएगा ₹100. बट अगेन अगर प्रीमियम पे रिडीमेबल थे डिबेंचर्स, फॉर एग्जाम्पल ₹10 का प्रीमियम था तो डिबेंचर होल्डर्स को हम 100 + ₹10 यानी ₹110 पे करेंगे. तो अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे और अगर नहीं है तो सिंपली डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स हो जाएगा. ये तो थी जब पेमेंट ड्यू होती है. अब जब हम पेमेंट करेंगे एक्चुअली तो क्या एंट्री होगी. बहुत सिंपल है, पेमेंट करने की एंट्री जैसे हम किसी और क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट हो जाएगी. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नॉर्मल जो किसी को भी कैश पे करने की एंट्री होती है. तो ये होती है दो एंट्रीज व्हेन वी आर रिडीमिंग द डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल. क्लियर हो गई. अब बात करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट की, यानी जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स. तो प्रॉफिट्स की जब हम बात करते हैं तब हमारे पास DRR का रोल आ जाता है यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमारे पास एक्शन में आ जाता है.
तो सबसे पहला काम होता है DRR क्रिएट करना, क्योंकि जब तक आप डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं बनाओगे आप डिबेंचर्स रिडीम नहीं कर सकते। और इसमें जो अमाउंट होना चाहिए दैट शुड बी एटलीस्ट 25%। अगर कंपनी चाहे तो ज्यादा अमाउंट भी ट्रांसफर कर सकती है, बट मिनिमम 25% ऑफ द डिबेंचर होल्डिंग्स होना चाहिए। तो जब आप DRR क्रिएट करते हो तो एंट्री हो जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। सरप्लस में हम ट्रांसफर करते हैं अमाउंट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, तो सिंपल एंट्री हमने करी है ट्रांसफर की, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया और DRR एक रिजर्व क्रिएट हो रही है इसलिए वो क्रेडिट हो गई। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा क्रिएशन ऑफ DRR। अब सेकेंड चीज हमने क्या बात करी थी, सेकेंड चीज होती है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, तो सॉरी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो जैसे कोई और इन्वेस्टमेंट होती है वैसे ही आप इस इन्वेस्टमेंट की भी एंट्री करेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो एंट्री हो जाती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल वही हमने एंट्री करी है, बट ये डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए है तो इसका नाम हो जाएगा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो नॉर्मल जैसे इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री होती है वही है, कुछ स्पेशल नहीं है। थर्ड हमारे पास आता है, अब एक बार DRR क्रिएट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, अब हम डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं, तो अब एंट्री आ जाएगी पेमेंट ड्यू की, मतलब जब डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट ड्यू हो जाएगा। तो जब भी पेमेंट ड्यू होगी उसकी वही एंट्रीज होगी सेम जैसे हमने आउट ऑफ कैपिटल में करी थी, डिबेंचर्स डेबिट प्रीमियम डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो जब पेमेंट ड्यू हो जाएगी वही सेम एंट्रीज होंगी। अब एक बार पेमेंट ड्यू हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है एनकैशिंग इन्वेस्टमेंट। भाई जब डिबेंचर होल्डर्स को हमें पैसे देने हैं तो हमारे पास पैसे होने भी तो चाहिए, तो पैसे लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी पहले इसे इनकैश करा लेंगे, जिससे हमारे पास डिबेंचर होल्डर्स को पैसे देने के लिए अमाउंट आ जाए। तो जब भी हम इनकैश कराएंगे इन्वेस्टमेंट को एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसे किसी और इन्वेस्टमेंट को आप सेल करते हो बिल्कुल वही एंट्री हमने पास करी है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा डिबेंचर रिडेम्पशन क्रेडिट, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब पैसे आ गए, अब ये पैसे हम डिबेंचर होल्डर्स को इजीली दे सकते हैं, तो जो पेमेंट के टाइम पे एंट्री होती है वो आ जाएगी, फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स। जब हम पेमेंट करेंगे तो अगेन वही एंट्री होगी जो हमने आउट ऑफ कैपिटल में करी थी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पेमेंट के टाइम पे अगेन सेम एंट्री होगी। तो जैसा कि आप नोटिस कर रहे हो थर्ड एंड फिफ्थ यानी पेमेंट ड्यू होने की और पेमेंट करने की दोनों एंट्रीज कैपिटल में या आउट ऑफ प्रॉफिट में दोनों केसेस में सेम होती हैं। बस प्रॉफिट के केस में तीन चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है, फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ DRR, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड इज इनकैशिंग द इन्वेस्टमेंट। अब ये सब करने के बाद जब डिबेंचर होल्डर्स को हमने पेमेंट कर दिया, एक और काम हमारे पास बचता है दैट इज ट्रांसफरिंग द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व। भाई हमने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्यों बनाया था, हमने उसे बनाया था डिबेंचर होल्डर्स को रीपेमेंट करने के लिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए। अब जब एक बार रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो चुका है तो हमें DRR की कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस DRR को जो ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया था इसे ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। और एक और एंट्री हमारे पास लास्ट में आ जाएगी जब सारे डिबेंचर्स, याद रखना जब सारे डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे तब हमारे पास एक एंट्री आ जाएगी DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। एंट्री हो जाएगी DRR अकाउंट यानी डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, रिजर्व का अमाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, अब हम रिजर्व को खत्म कर रहे हैं इसलिए डेबिट हो गई और इसे हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व में ये ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल रिजर्व का मतलब होता है अब इस अमाउंट को आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, अभी ये स्पेसिफिक रिजर्व की जगह जनरल रिजर्व हो गई है। तो ये एक एंट्री भी हमें पास करनी होती है। तो ये था हमारे पास लमसम मेथड का कॉन्सेप्ट, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा बट जब क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें अपने आप हो जाएंगी, सिर्फ स्टेप्स को याद रखना है और नॉर्मली एंट्री पास करनी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हाँ स्टेप्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये सेशन समझ आया एंड स्टिल अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
And for more numerical problems and questions, watch our next video. Bye-bye.